राम राम भाइयों, कैसे हो आप लोगों का। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। भाइयों, मैं आज अपनी साइकिल रिव्यू करने जा रहा हूँ। मैं साइकिल से परेशान हो गया, मैं बेचना चाहता हूँ। मोटरसाइकिल में चलानी नहीं आती, स्कूटी में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं साइकिल इसलिए बेचना चाहता हूँ क्योंकि साइकिल घिस चुकी है, अपने 4,000 बेचना। तो भाई मैंने कता कत रखी, मेरे को मैं लेके आया था कम से कम 2016-17 में लेके आया था। अब साइकिल की कंडीशन देख सकते क्या कंडीशन है, एक नंबर की। भाई साहब इसके टायर देखते हो, मैंने नया डलवाया टायर इसका 800 रुपये में, पूरा 800 रुपये में देसी टायर है, जमा गच नई ट्यूब है नया टायर इसका। इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, एक तो प्रॉब्लम इसके हैंडल की है, और इस वाला जो पैडल है ना ये लेफ्ट वाला, इसकी एक बार चूड़ी डलेगी और वो खुट्टी होगी। और भाई साहब या और एकदम पीछे चमका रखी आप देख सकते हो, देखो चैन चून एकदम जमा गच देसी भाग गए। इसको हम ब्रेक और दिखाओ, सो आपने ब्रेक कितना खतरनाक किया, इसका ब्रेक देखोगे ना आप लोगों को भाई साहब जमा गच ला भाई, ब्रेक देख ले कितना खतरनाक सी भाई साहब। और इसका अगला ब्रेक भाई, अगला ब्रेक हम देख लोगे ना हम क्या कहोगे। यदि साइकिल भगा रखी आपने और ब्रेक मार दिया अगले साइकिल, आप तो फुटो के साथ में साइकिल और फूटेगी। अब नुकसान यही रहेगा भाई साहब, अगले ब्रेक कम से कम लेना, क्योंकि अगले ब्रेक में बहुत ज़्यादा रिस्क है, और रिस्क लेना है जिंदगी में तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो अब बिना मेहनत तो कुछ मिल नहीं सकता। अब तुम चलाते चलाते इसका नू ब्रेक मार दिए भाई, खुद तो फूटेगा। अब मुंडा फूटे वो मैं गारंटी नहीं ले सकता उन चीज़ की, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस प्रकार से चलाते हो। और भाई पीछे लग जाएगी वो मैं गारंटी नहीं ले सकता भाई, कहीं पर टिक सकते हैं। कृपया करके अगले ब्रेक मत ले, अगले ब्रेक में बहुत रिस्क होता है, इससे बढ़िया आप पीछे वाले ब्रेक लें। मैंने नए गुटके डलवा रखे स्पेशल बेचने के लिए गाड़ी को, इसको अपनी साइकिल को। और इस पर आप कम से कम 40 किलो का कट्टा धर सकते हैं, गेहूं का, गेहूं हो बाजरा हो जो कुछ भी हो उसका, और 60 किलो का आदमी यहाँ पे बैठा सकते हैं यहाँ पे। और हमने आपकी बार बीजेपी का समर्थन किया था, हमने बीजेपी पर पोस्टर लगाया इस पर साइकिल पर, क्योंकि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए बीजेपी का हमने समर्थन किया। और अपने हाथ तले भी बीजेपी अपने रख रखी है हमने यहाँ। भाई साहब मैं एक बार इसकी स्पीड और चेक करा देता हूँ, मैं इसकी स्पीड बताता हूँ ना, तो कम से कम मोटरसाइकिल की 40 स्पीड मानी जाती है इसकी, हाईएस्ट स्पीड 40 है साइकिल की। और मैं इसका ब्रेक मार देता हूँ जो, तो भाई कहना है क्या, देखो जबकि जब जाम हो जाती है साइकिल पूरी पूरी। और इसका जो ब्रेक कर रहा है स्टैंड है वो भाई साहब एकदम जमा गच है, कुछ भी कमी नहीं है। आप इसको स्टैंड करके कुत्ता लगा सकते हैं, जैसी भाषा में कुत्ता कहते हैं, वैसे मेरे को हिंदी सही से पता नहीं क्या कहते हैं इसको हिंदी में। और साइकिल पूरी सही है, इसमें यहाँ पे लेके आया बस भाई, इसमें लगा रखी है मैंने लाइट 2 रंग की, वो लाइट यदि आपने रात में चला दी तो ऐसा लगेगा जैसे पुलिस आ रही हो। इसका इसमें बहुत अलग है, मैं तो आपको एक शॉर्ट वीडियो छोड़ दूंगा उसमें आप देखना इसकी कितना कलरफुल रही है। और दोस्तों इसका लोग देखो, अगर लोग कई बच्चे होते ना जैसे पुरानी साइकिल को समझ के तोड़ देते हैं लोगला, भाई साहब मैंने इसका लोग अभी के अभी वैसा वैसा कर रहा है, देख सकते हो लोग एकदम टनाटन है, देखो टनाटन काम कर रहा है, देखो एक टनाटन काम कर रहा है, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। और ये तो क्या रहते हैं मड़गाड़ी गाड़ी वाला घूमने वाला चक्का, ये भी एकदम जमा करता है, सही कर रखा है, कोई कमी नहीं है इसमें। और ये भी भाई पहले की, ये तो आप लगवाइए मैं तुम्हारे लिए जैसी साइकिल अच्छी लगे। और भाई मैं इसको डेली साफ करता हूँ, एकदम बढ़िया लगता हूँ दोस्तों। मैं एकदम भगा रख दे, ये बुलट पड़ गया इसका, नहीं तो इसमें कमी की नहीं है। और तो बस इसमें खूब जोर मारिए, 500 रुपये वैसा भाई, जिस भाई को चाहिए ना तो अपने नंबर दे दूंगा, कमेंट करके बता दें किस भाई चाहिए 4,000 रुपये में, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। धन्यवाद भाई, अपने हाथ तले बीजेपी है, अपने पोस्ट ला के रखते हैं बीजेपी के आगे, क्योंकि हमने आपकी बार सपोर्ट किया बीजेपी को विधानसभा बैवड़ क्षेत्र से, इसलिए हम बीजेपी को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी को हमने अपने हाथ तले रख रखी है नीचे, ठीक है देख सकते हो आप। अब भाई साइकिल में कोई कमी नहीं है, और कमी हो तो बता देना भाई देख कमेंट करके। यदि आपको रिव्यू करना है तो अपने भाई भूपखेड़ा गाँव में आ सकते हो, बैवड़ तहसील अपने भूपखेड़ा गाँव में, यहाँ पे आ सकते हो और अपनी साइकिल का रिव्यू कर सकते हो, चला के देख सकते हो। यदि आपको साइकिल में कोई कमी लगे तो भाई मेरे को कहना, मैं साइकिल को सुधरवाऊंगा, और 4,000 रुपये में साइकिल को बेच रहा हूँ, आपको अच्छी लगे तो भाई ले जाना, नहीं तो रहने तो कोई फ़ायदा नहीं है बेचने का।